नमस्ते ओरम शांति। आप सब श्रोताओं को आपको स्वागत है आपके ही चैनल सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। इस चैनल पर हम केवल वरदान ही नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। इसलिए जो लोग इसको इंस्टाग्राम पर या इसको आप ट्विटर पर या आप इसको फेसबुक पर सुन रहे हैं उनके लिए लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के डाइट प्लान, सोने की कला, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग की कला, चेयर पे बैठ करके योगासन, नॉर्मल योगासन, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। बहुत कुछ है और औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भला हो, बांटने में ही भला है। तो देखिए आज के ईश्वरीय वरदान, 221वें दिन के ईश्वर वरदान में परमपिता परमात्मा कहते कि आज हमारे लिए क्या सीख है, स्पिरिचुअल सीख, ताकि हम और शक्तिशाली बने। पापा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य, वैराग्य आना मतलब कि डिटैच फील करना, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा इस धरती पर आई हूँ, ना कुछ लेके आई थी ना कुछ लेके जाऊंगी, जिसको मैं मेरा मेरा मैं करती आई हूँ आत्मा, या करता आई हूँ आत्मा, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, इसलिए करती आई हूँ करता आया हूँ, जो भी कहें ठीक है आपके लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जो कुछ भी तुम देखते हो अपनी आंखों से वो तुम्हारा नहीं है, तुम उसके सिर्फ ट्रस्टी हो, रिलेशनशिप्स के भी ट्रस्टी हो, हस्बैंड है वाइफ है ट्रस्टी हो, बच्चे हैं ट्रस्टी हो, क्योंकि वो सब किसको बिलोंग करते हैं, बेहद के परमपिता परमात्मा को। मेरा कुछ भी नहीं है, अगर मेरा 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 किया तो अटैचमेंट, फिर एक्सपेक्टेशंस, और वहाँ दुख होता है, वहाँ पर आपका मूड स्विंग होगा। तो बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, नष्ट मोहा, मोह को नष्ट करना, स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भवा, चलायमान नहीं। आज बड़े खुश हो गए, किसी ने आपको बड़ा अच्छा बोल दिया, आपने किसी लिए कुछ किया, उसने आपके लिए दो गुना कर दिया, बड़े खुश। आज कल आपने कुछ किया, उसने आपको देखा भी नहीं, बड़े दुखी। परमात्मा कहते हैं ये अवस्था अपनी मत बनाओ। विस्तार में चलें, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वे कभी किसी भी दृश्य को देखते घबराते वह हिलते नहीं। हाँ ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, मैंने तो ये नहीं सोचा था, मैंने उसको कहा था ऐसे नहीं करने के लिए, उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। परमात्मा कहते हैं कोई मूवी को देख रहे हो, कल का वरदान याद है आपको, कोई आप मूवी को देख रहे हो तो आप ये नहीं कहते ये एक्टर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, आप एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बेहद की वैराग्य वृत्ति के साथ में देखते हो, इंजॉय कर रहे होते सबके रोल्स वहाँ पर, अच्छे में भी अच्छा बुरे में भी अच्छा, सब चीज़ में आप क्या होते हो, डिटैच्ड होते हो, आप हाई 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 नहीं करते, अपने मूड्स को ऊपर नीचे करने देते, एटलीस्ट मैं तो नहीं करने देता। बहुत लोग होते हैं जो कोई रो जाते हैं, कोई मर गया अगर उसमें एक्टर मर गया रोना शुरू हो जाते हैं, इमोशंस में आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि उन इमोशंस को आप अपने आप को बचाओ, कलयुग के हैं सारे इमोशंस, सत्युग में ऐसा नहीं होता था। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम सत्युग के लिए तैयारी करें अपनी, गोल्डन एज के लिए, हेवन में कोई रोता नहीं है वहाँ पर, वहाँ पे रोने की बात नहीं, वहाँ ना बीमारी होती थी ना मर्डर होता था ना चोरी चकारी होती ना कुछ होता था। तो उस दुनिया में रोने वाले संस्कार वाले लोग नहीं जाएंगे, घबराने वाले संस्कार वाले लोग वहां पे नहीं जाएंगे, मतलब वो ऐसी आत्मा नहीं जाएंगी। इसलिए परमात्मा में कहते हैं वैराग्य की, बेहद की वैराग्य वृत्ति। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ, आप इमोशनलेस हो जाओ, राइट इमोशंस, चाहे कोई भी सिचुएशन हो राइट इमोशंस, हमेशा संतुष्ट, हैप्पीनेस, हर चीज में कल्याण समाया हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं सदा अचल अडोल रहते हैं क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति है, उससे नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। मोह नहीं है, मैंने कुछ किया, कर्म किया, किसी के लिए कुछ किया मैंने, लेकिन करवाया किसने, परमात्मा ने, सेवा करी करवाया किसने, परमात्मा ने, मैंने किया, मेरे को रिटर्न नहीं मिला, उसने थैंक यू नहीं बोला, थैंकलेस पर्सन है वो बिल्कुल। ये सारी चीजें जो होती है हमारी वो हमें ही दुख देती हैं और हमारे संबंध खराब करती है, हमें अकेला बना देती है, हमें अहंकारी बना देती है, मैंने कैसे किया, मेरा कुछ है यहाँ पर नहीं है, मेरा, मैंने किसी को दिया नहीं, मैंने नहीं दिया, किसका, सब कुछ परमपिता परमात्मा का, मैं क्या हूँ, ट्रस्टी हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इस दुनिया पे आकर के एक्सचेंज कर रहा हूँ, एक्सचेंज जैसे होता है ना यूएस डॉलर और INR का एक्सचेंज होता है, आप एक्सचेंज करते हैं उसमें, बस वही है। तो फीस क्या लगती है, थोड़ी सी आपकी मेहनत लगती है किसी के लिए कुछ करने के लिए, बस वो फीस है, आप मेहनत करते हैं उसमें, पर उसमें एक्सपेक्टेशन रखना वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, वहीं पे कालापन आ जाता है, वहीं पर आपको गुस्सा भी आ सकता है, वहीं पर आपको चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो अपना चिड़चिड़ापन गुस्सा कम करना है या आपके अंदर अहंकार आ जाता है उसको कम करना है,
तो ये सब कुछ मेरा नहीं, सब कुछ बाप का दिया हुआ है, मैं क्या हूँ, सिर्फ एक निमित्त हूँ उसको ट्रांसफर करने के लिए। फिर बाबा कहते हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, हाय ये क्या हो गया, मैंने तो ये नहीं सोचा था मेरे बच्चे के लिए, हाय ये क्या हो गया, मेरी वाइफ को ऐसे कैसे हो गया, बीमार कैसे हो गई, ये बीमार कैसे हो गया मेरा हस्बैंड, हाय मेरे बच्चे को ये क्या हो गया, हाय मैंने ये बिजनेस में ये तो नहीं सोचा था, ये कैसे हो गया। फिर परमात्मा कहते हैं, उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। अंगद की स्टोरी को पता होगी, कितने लोगों ने उनके पैर हाथ हिलाने की कोशिश करी लेकिन वो एक ही जगह खड़े रहे बिल्कुल। तो वो क्या स्टोरी थी, वो किसी व्यक्ति की स्टोरी नहीं है, वह उन आत्माओं की स्टोरी है जो कि बिल्कुल विल पावर में बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं, निश्चिंत होते हैं, वो निश्चित उनकी विजय है, उनको पता होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, इसलिए वो अचल अडोल होते हैं। कि वो राइट पाथ पे तो उनको कुछ डर होता नहीं है, जो राइट पाथ पे नहीं होता वो हिलता डुलता है। तो परमात्मा कहते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई होती है। अगर आपकी डिटैचमेंट है, आपने किसी लिए कुछ किया, उसने आपको थैंक यू भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया आपके लिए, लेकिन आपका जब डिटैचमेंट है तो आप रमणीक हो गए, आप हसमुख हो गए, आपके अंदर जोवियलनेस होगी, आप जॉयफुल हो गए, आपको ये नहीं होगा कि मेरे लिए कुछ नहीं किया, अभी तक नहीं बोला थैंक यू, अभी तक फोन नहीं आया उसका, उसको इतनी भी समझ नहीं है, उसको भी इतनी तमीज नहीं है, वो उनके संस्कार है, मेरे मेरे संस्कार है, छोड़ दीजिए। तो परमात्मा चाहते कि हम अपने आप को हल्का करें, बीमारियां नहीं आएंगी इस कारण से, बुद्धि भारी नहीं होगी इस कारण से, मूड आपका खराब नहीं होगा इस कारण से, तो इसलिए बेहद की वैराग्य वृद्धि और अंगद जैसे बन जाए आप भी। तो आज का ये श्री वरदान, अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, अगर आपको कोई पॉइंट लगा हो जो कि इसमें डालना चाहिए था, आपका जो एक्सपीरियंस है जरूर डालिएगा इस कमेंट में बॉक्स में नीचे, जहाँ पर भी आप सुन रहे हैं इस चीज़ को, और औरों के साथ भी शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और तरक्की